पावर बी को इंस्टॉल करने के बाद जो अगला काम आपने करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपने पावर बी के जितने भी फीचर्स हैं उन्हें अप टू डेट रखना है यानी कि फ़ीचर्स वो चीज़ें होती हैं जो एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है टू डू समथिंग लाइक प्लॉट बनाना है लाइक like आपने कोई इंटरनली उसमें चेंजेस लेके आने हैं सॉफ्टवेयर के कोई अपडेट्स जो आ रही हैं तो पावर बी आई आपको प्रीव्यू फीचर्स जो है वो ऑलरेडी देता है जो अभी रिलीज़ नहीं हुए लेकिन आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोवाइड फीडबैक टू पावर बी आई कम्युनिटी या माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई को तो वो कैसे अपडेट करने हैं आइए देखते हैं स्क्रीन पे आपको मैं ले आया हूँ यहाँ पे आपने सबसे पहले जाके पावर बी आई को ऑन करना है पावर बी आई लिखें पावर बी आई डेस्क आपका ऑन हो जाएगा और जैसे ही आपका पावर बी आई डेस्क ऑन होता है तो आपने क्या करना है पहले इंटरफेस के अंदर जाना है जो आपका मेन इंटरफेस है उसके अंदर इस तरीके से मूव करना है और यहां पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ मी सी यहाँ पे आपने इस तरीके से इस पर ऑप्शन एंड सेटिंग पे क्लिक करना है ऑप्शन एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगी ठीक है आपने क्या करना है यहाँ से प्रीव्यू फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है ये वाले प्रीव्यू फीचर्स के ऊपर प्रीव्यू फीचर क्या करता है आपको वो वाले फीचर्स देता है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए या फ्यूचर में रिलीज़ होने वाले हैं और इनकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल फॉर यू टू ट्राई इन दिस रिलीज़ प्रीव्यू फीचर्स माइट चेंज और बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज़ ठीक है तो आपने क्या करना है कोशिश करनी जो जो आपके बेसिक यहाँ पे फीचर्स हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए वो आपने टिक मार्क कर देने फ़ॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेप माय मैप विजुअल इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास शेप माय मैप विजुअल जो है इस तरीके से ये फ़ीचर आ जाएगा लेकिन जैसे मैं लर्न मोर पर जाता हूँ देन इट विल टेल मी कि ये फीचर किस बारे में है जैसे कि क्रिएट माई मैप शेप इस तरीके से ये जी के जितने भी लोग हैं मैपिंग के लिए इस तरह की शेप्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो शेप माई मैप विजुअल का ये मतलब है इसी तरीके से बाकी विजुअल्स हैं यहाँ पे जैसे स्पेनिश लैंग्वेज सपोर्ट फॉर क्वेश्चन आंसर वी डोंट नीड दैट बिकॉज वी आर नॉट स्पीकिंग स्पेनिश ईर और क्वेश्चन आंसर फॉर लाइव कनेक्टेड एनालिसिस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सीमेंटिंग मॉडल पर क्लिक कर देता हूँ मॉडल विजुअल टूल टिप पर क्लिक कर देता हूँ ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन स्टोर सीमेंटिंग यूजिंग टी एम डी एल फॉर्मेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस पर क्लिक कर देते हो इस पर कर देता हूँ इस पर कर देता हूँ एंड नाउ वैन यू गो बैक आपके जो फीचर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे बट बिफोर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके मैंने ओके okay पे क्लिक किया ओके okay पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें यू हैव इनेबल्ड वन और मोर प्रीवियो फीचर्स दैट रिक्वायर्ड री स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई डेस्क टॉप दिस चेंजेज विल टेक अफेक्ट आफ्टर यूर री स्टार्ट तो मैं ओके okay करता हूँ ओके okay करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ क्लोज करने के बाद मैं इसको भी क्लोज करता हूँ यहाँ से गूगल क्रोम को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ पावर बी आई डैस्क टॉप और पावर बी आई डेस्क टॉप जैसे मैंने पावर बी आई डेस्क लिखा है नाउ यू विल सी कि आपके जो फीचर्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली रेगुलरली अपडेट द न्यू प्रीवियस फीचर्स विच विल एक्चुअली शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस जो आम पावर बी आई में नहीं नज़र आती जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे ये आम पावर बी आई के अंदर नहीं नज़र आएंगी सिर्फ आपको नजर आएंगी सो so, इस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि वी हैव चेक्ड ऑल द फीचर्स यहाँ पे कुछ फीचर्स जो आ, मैंने स्क्रॉल डाउन करके चेक नहीं किए उसमें है इम्प्रूव क्यू एंड ए विद को पायलट आप पावर बी के आई बी आई के साथ को पायलट यानी कि चैट जी पी टी की तरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का रिलीज़ करता है को पायलट के बारे में हम लेटर ऑन गुफ्तु करेंगे मैं अभी इसको चेक ऑन कर लेता हूँ विजुअल कैलकुलेशन के ऊपर भी चेक ऑन कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ नाउ आई हैव ऑल द फीचर्स अगेन और मैं यहाँ से इसको पावर बी आई को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ सो so, आपने ये प्रैक्टिस बना के रखनी है कि रेगुलरली ये फीचर्स वगैरह आपने देखते जाना है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन इन फ्यूचर एज वेल क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम जो है इसके थ्रू करने वाले हैं अभी अगर आपने पावर बी आई को इंस्टॉल कर लिया डेस्कटॉप वर्जन को और आपने ये फीचर्स अपडेट कर लें तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन देन यू दैट यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट विजुअल विद डेटा कनेक्शन ऑफ मैं क्या कहूँ इसको यार चलो जो भी कहना है मैं इतनी बात कह देता हूँ कि आपने डेटा कनेक्ट करना है और यहां से प्लॉट बनाने स्टार्ट कर देने सी यू इन द नेक्स्ट वन अपना ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा